नमस्ते सभी को। हिंदी में सत्र हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने कल कुछ गृह कार्य लिया था। हम लोग अभी अभ्यास दो के स्टेप थ्री पे काम कर रहे हैं। अभ्यास दो में हम शरीर को देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं, और देखने वाला मैं हूँ जो चैतन्य इकाई है। ये जितना जितना मैं शरीर को देख पाता हूँ उतना स्पष्ट हो पाता है कि शरीर एक जड़ इकाई है, और मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। इसके स्टेप वन पे हम लोगों ने मैं और शरीर इन दोनों वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। तो दिखता है कि मुझे अपने होने का पता अपनी क्रियाओं से चलता है, शरीर के होने का पता शरीर से मिलने वाली सूचना से चलता है, इसको संवेदना कह रहे हैं। और मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, परंतु इसको अभी हम लोगों ने फिर भी और जांच परख के लिए ओपन रखा है, इसको और बारीकी से देखने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना जितना हम आगे स्टेप से बढ़ेंगे ये दो वास्तविकताएं और स्पष्ट रूप से हमको स्पष्ट होंगी। तो इसको अपने आप में देखते रहना है, जांचते रहना है। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया हम लोगों ने। तो दिखता है कि मैं शरीर को संकेत देता हूँ, और शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं संवेदना के रूप में है, और मैं उनको पढ़ता हूँ। आवश्यकता अनुसार मैं शरीर को संकेत देता हूँ, आवश्यकता अनुसार मैं शरीर से मिलने वाली संवेदना को पढ़ता हूँ। स्टेप थ्री में हमने देखा कि जो देखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो भी आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय किसका है। तो जो मैं संकेत दे रहा हूँ पता लगता है उसमें निर्णय मेरा ही है, जो शरीर से संवेदना पढ़ रहा हूँ उसमें भी निर्णय मेरा ही है। इसी को एक मोटे मोटे तौर पे देखें तो बात स्वीकार हो जाती है, परंतु अगर बारीकी से देखने जाए तो नए प्रश्न खड़े होते हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन को भी स्टडी किया कि उसमें भी कोई मेरा रोल है कि नहीं, मेरा निर्णय है कि नहीं, और निर्णय का अर्थ भी क्या है उसको भी कल हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि मानने की क्रिया जहां है वहां निर्णय। तो शरीर में पता लगेगा कि जो कुछ भी हो रहा है भौतिक रासायनिक है, उसमें कोई मानने की क्रिया नहीं है, कोई चॉइस नहीं है, ये मुझ में चॉइस है, मानने की क्रिया मुझ में है। मैं जैसा मानता हूँ वैसा ही मैं शरीर को संकेत देता हूँ, और जैसा मैंने मान रखा है उसी के अनुसार मैं शरीर से होने वाली शरीर से मिलने वाली संवेदना को पढ़ता हूँ। तो ये मेरा निर्णय है, इसको हम लोग अपने आप में ऑब्जर्व करते रहे। इसके लिए कई प्रकार से ऑब्जर्व किया। शरीर को किसी एक स्थिति में रख दीजिए और फिर देखिए मुझ में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है। अगर शरीर जरा सा भी हिला डुला तो देखिए उसमें मेरा निर्णय था कि नहीं, शरीर को उस अवस्था में बनाए रखने में भी मेरा निर्णय था कि नहीं। वैसे ही अभी जो हम अपनी दिनचर्या में बहुत सारे काम करते रहते हैं वो अनवरत होता रहता है, या उसमें मेरा निर्णय होता ही रहता है। तो जैसे मैं घर के कोई काम कर रहा हूँ, ड्राइविंग कर रहा हूँ, अभी अपने कमरे को ठीक कर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, पैर हिला रहा हूँ, चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, ये सारे गतिविधियों में हम देख लें कि मेरा निर्णय शामिल है कि नहीं। ठीक, वैसे ही कोई अचानक घटना घटती है उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया देता हूँ, उसमें भी देख लें कि मेरा निर्णय है कि नहीं। कोई सामने से दृश्य आ गया, कोई सामने से कोई वस्तु आ गई, ठीक, अचानक चोट लग गई, आप सड़क पर चल रहे हैं, बॉल आके आपको लग गई, मुंह से जो शब्द निकले वो अपने आप निकल गए या उसमें आपका निर्णय था। कोई वस्तु आकर सामने खड़ी हो गई, आपके मुंह से कोई शब्द निकल गया, अपने आप निकल गया, या उसमें आपका कोई निर्णय था। आप घर आए और कोई मेहमान आपको दिखाई दे गए और आपके मुंह से कुछ शब्द निकला, अपने आप निकल गया, या उसमें आपका निर्णय था। तो इन चीजों को अपने आप में और बारीकी से देखना है कि जो अकस्मात घटनाएं घटती हैं उसमें भी आपका निर्णय है कि नहीं। फिर आप जो अपने आप में गहरी सोच में बने हुए हैं उस समय भी आप कोई निर्णय ले रहे हैं कि नहीं। गहरी सोच में बने हुए हैं और पैर हिला रहे हैं, वो पैर अपने आप हिल रहा है, ये आपका निर्णय है। इन सब चीजों को हम लोग बारीकी से और अपने आप में देख सकते हैं, और इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है ये भी देख सकते हैं। जी उषा व्यास जी,
गुड मॉर्निंग भैया, सभी को गुड मॉर्निंग नमस्ते। जी। जैसा कि आपने अभी कहा कि अचानक से कुछ हो जाता है, मान लो ठोकर लग जाती है, किसी की ने पत्थर रख दिया, बीच में चले जा रहे हैं, अचानक से देख भी लिया किसने रखा या नहीं रखा, बीच में सड़क पे पत्थर डला है, अचानक से चले जा रहे हैं, अचानक से जो निकलता है वो समझ में नहीं आया भैया कि वो खुद का निर्णय होता है कि कैसा, इसी को समझना है भैया। जी, उसको भी अपने पे देखिए। तो हमारा कुछ जी अभ्यास होता है, हमारा विचार करने का एक अभ्यास होता है, हमारा भाव का एक अभ्यास होता है। तो जैसा हमारा अभ्यास होता है वैसे हम शब्दों का चयन करते हैं। तो आप पाएंगे उसी दृश्य को देखकर अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं। जी अब अभ्यास में तो ये आ गया है कि अब कुछ नहीं निकलता है, जब से यूएचबी अटेंड किया है, और बस वो उठ के, है ना, जैसे गाड़ी जा रहे हो, बीच में कुछ है तो वो गाड़ी खड़ी करके वो उसको हटाने का प्रयास करते हैं। और पहले जरूर ऐसा होता था कि कुछ भी हो जाता था तो मुंह से शब्द निकल ही जाते थे, परंतु जी देखिए, अब वो तो सब परिवर्तन हो गया। परिवर्तन कैसे हो गया? क्योंकि तो इसमें आपका निर्णय है। तो जी जब जी बात वो समझ में आ निर्णय रही है जी जी, जी बताइए भैया जी, वो निर्णय मतलब हमने बदल लिया, परिवर्तित कर लिया, नहीं और क्या। ऐसा मतलब जी। तो अब भाव भी खराब नहीं होते उससे, और हाँ शरीर को भी नुकसान नहीं होता, बॉडी को भी हम बचा लेते हैं ठोकर से, और जी ये करके बहुत मतलब अच्छा फील हो रहा होता है कि भाव नहीं बिगड़ते सामने वाले या किसी के भी प्रति कोई डिस्टर्ब होता है तो। जी भैया, जी इनफैक्ट जी भैया, थैंक यू भैया। इससे जुड़ी हुई एक कहानी है अकबर बीरबल की। अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और उसने बोला कि आप जो भी भाषा बोलेंगे कहेंगे मैं उसको बोल सकता हूँ, और आप मुझे कभी बता नहीं सकते, मेरे बारे में पकड़ नहीं सकते कि मेरी अपनी ओरिजिनल भाषा क्या है। तो ट्राई किया गया, जिस भी भाषा के बारे में कहा जाए वो हर एक भाषा बोल दे। तो जी हुआ कि भाई कैसे पता लगाया जाए। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि भाई इसका पता लगाओ। बीरबल ने कहा ठीक है, तो बहुत आसान है। तो बीरबल उसको घुमाने लगे कहीं, है ना, महल में। फिर बहुत जगह घुमाया, फिर वहां पे कहीं एक कालीन था। तो एक किसी स्टाफ को कह रखा था कि जब इस कालीन पे गुजरे तो तुम कालीन खींच देना। तो उसने कालीन खींच दिया, कालीन खींचा तो गिरा, गिरा तो उसके मुंह से कुछ शब्द निकले, वो उसकी ओरिजिनल भाषा के थे। तो जी भैया, हमारा जैसा एक मानने का अभ्यास रहता है, जो कंडीशनिंग रहती है उसके अनुसार हमारे शब्द निकलते हैं। तो आपको पता लगे कि बिल्कुल हमारा ही निर्णय है। एक प्रश्न है, उसको मैं पहले ले लेता हूँ। अभिषेक जी का है, सोते समय ये नहीं देख पाता हूँ कब करवट लिया या हाथ पैर हिलाया, इसको देखा कैसे जाए? दिन में तो ज्यादा समय देख पाता हूँ, कब मैंने शरीर के लिए कुछ करने के लिए संकेत दिया? जी, सोते समय क्या होता है कि हम शरीर से संवेदना को पढ़ने का काम काफी धीमा कर देते हैं, परंतु उसमें भी जब कोई संवेदना बिल्कुल प्रतिकूल होती है तो हम जरूर हरकत करते हैं। या मेरे स्वयं में कोई ऐसी स्थिति होती है जिससे मैं आराम में नहीं होता हूँ, असहज हो जाता हूँ, तो मैं शरीर को संकेत भी देता हूँ। तो करवट बदलने का काम दोनों तरह से हो सकता है। जैसे हम एक करवट लेटे हुए हैं, ठीक है ना, अब उधर ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, मेरा बायां हाथ जिधर मैं बायां करवट सो रहा था, बायां हाथ पे दबाव बना, ठीक, बायां हाथ दब गया है, अब वो ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, ठीक, पर मेरे अंदर शरीर के प्रति संरक्षण का भाव बना हुआ है, तो उसकी सूचना मुझे मिलती है। इतना जरूर है कि वो जो ब्लड सर्कुलेशन के रुकने की सूचना अभी हमें जागते समय जिस प्रकार से मिलती है, हम तुरंत निर्णय ले लेते हैं। वहां पे एक अपर लिमिट हो जाता है उसके, है ना, पहले हम तो इग्नोर कर रहे होते हैं, ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, परंतु जब एक लिमिट आ जाता है कि अब इसके बाद तो ध्यान देना ही पड़ेगा, तो फिर हम वहां ध्यान देते हैं और करवट बदल लेते हैं। तो आप पाएंगे जब भी हम लेटते हैं तो शरीर के एक भाग पे दबाव पड़ता है, एक भाग पे दबाव नहीं पड़ता,
पीठ के बल लेटे हैं तो पीठ पे दबाव पड़ रहा है, पेट के बल लेटे हैं तो पेट पे दबाव पड़ रहा है, क्योंकि तो शरीर का अपना एक भार है। बाएं करवट है तो बाई तरफ दबाव बन रहा है। अगर हाथ को कहीं रखा है तो हाथ हमारे शरीर से दबा हुआ है, हाथ को फ्री करा हुआ है, तो हो सकता है कि जो शरीर और धरती के बीच संबंध है उसके कारण शरीर एक तरफ का स्थिति बदल रहा है, मतलब शरीर की एक तरह की स्थिति बन रही है, शरीर गिर रहा है एक तरफ, ये सारी स्थितियां बनी रहती हैं। इसको ऑब्जर्व करेंगे, अभी जागते हुए भी देख लें, विश्लेषण कर लें, तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो जब संवेदना एक सीमा से अधिक हो जाती है तो फिर मैं उसको पढ़ता हूँ और फिर उसके अनुसार निर्णय लेता हूँ। अभी जागते हुए उस संवेदना को पढ़ने का काम ज्यादा तेजी से होता है, तो सीमा तक पहुंचने का मैं इंतजार नहीं करता आमतौर पर। वैसे दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि सपना कोई देख रहे हैं, उस सपने में घबराहट हो रही है, भय हो रहा है, ठीक है ना, तो उस दौरान भी हम शरीर से हरकत करते हैं, क्योंकि अगर मेरे अंदर भय हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल, ऐसा तो बहुत सारा पढ़ा गया है और है ना, साइकोलॉजी में ऐसे बहुत सारे थियोरीज भी हैं, ड्रीम्स के ऊपर बहुत सारे स्टडी किया गया है कि कैसे कैसे हमारे अंदर भय तैयार होते हैं और कैसे कैसे हम शरीर को संकेत देते हैं। तो कोई किसी को लग रहा है कि मैं ऊंचे स्थान से गिर रहा हूँ, किसी को लगता है कि कोई है ना, तो इस तरह के बहुत सारे स्थितियां हमारे कल्पनाशीलता में आ सकती हैं, स्वप्न के दौरान भी आ सकती हैं, उस समय भी हम शरीर से हरकत करते हैं, उस दौरान भी हम करवट बदल सकते हैं। ये भी स्टडी हुआ है कई बार कि जैसे हम शरीर से जो पोस्चर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सो रहे हैं कि आपका सीना दब गया, हार्ट दब गया, तो उसके कारण आपके अंदर कोई भाव ट्रिगर होता है। अगर सोते समय हार्ट दब जाता है, ठीक है ना, और जब वो भाव ट्रिगर होता है तो आपके अंदर वैसे विचार तैयार होते हैं, तो कब आपको लगता है कि घबराहट हो रही है, या कब आपके अंदर घबराहट पैदा होने लगती है, कब आपके अंदर आवेश पैदा होने लगता है, ये सारा भी स्टडी किया गया है। तो शरीर की अगर कोई स्थिति बनती है, उसकी जो संवेदना मुझे मिलती है और जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर भाव ट्रिगर होते हैं, इन सब चीजों को अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभ्यास दो के स्टेप फोर में अब ये बात हो रही है कि मैं और शरीर की भी दूरी है, क्या इसको देख सकते हैं। तो ये दूरी की बात हमने पहले भी की थी कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। जब दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं, इनके बीच दूरी को भी देखा जा सकता है। जब जो जड़ इकाइयां होती हैं तो वह स्थान में अलग होती हैं, तभी उनके बीच दूरी होती है। परंतु यदि एक इकाई जड़ है और एक इकाई चैतन्य है, तो एक स्थान पे बने रहते हुए भी इस दूरी को देखा जा सकता है। तो जो स्टेप वन में हम लोग बात कह रहे थे कि कैसे मैं और शरीर को अलग अलग पहचाना जाए, अलग अलग समझा जाए, उस क्रम में अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो और क्लैरिटी बनेगी, इसको देखते हैं, है ना। जब मैं शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ रहा हूं तो क्या मैं संवेदना हूं, क्या मैं संवेदना में हूं, क्या मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है, इस पे एक गहनता से ध्यान देने की जरूरत है। जिसको संवेदना कह रहे हैं वो है क्या, इस संवेदना मुझ में है, मैं संवेदना में हूँ, संवेदना मुझसे बाहर है, संवेदना मेरे भीतर है, यह है क्या। तो अभी तक हम लोग संवेदना को देख रहे थे, संवेदना को पढ़ने के निर्णय को देख रहे थे, अब संवेदना से दूरी को देखना है। दूरी मतलब क्या मुझसे बाहर है या मेरा ही एक भाग है। जी आकांक्षा जी, हेलो जी बताएं। हाँ नमस्ते भैया, गुड मॉर्निंग जी। मेरा सवाल ये है भैया कि सबसे पहली बात में संवेदना होती क्यों, मतलब जो फिजिकल केमिकल रिएक्शन है बॉडी में, मतलब जो भी कंपोजिशन है, इसके अलावा क्या इसका कोई मतलब सेल्फ से रिलेट करके कुछ हम लोग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्या, क्योंकि जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स चलते हैं तो संवेदना के तौर पर दिखने लगता है कि पैरों में दर्द शुरू हो गई, अगर अपने आप को कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा गले में दर्द हो रहा है, ये तो नेगेटिव थॉट्स पे मतलब नेगेटिव इमोशंस की वजह से, या फिर
पॉजिटिवली भी देखते हैं कि बहुत ज्यादा खुश हैं, तो उसका भी अलग बॉडी पे सेंसेशन दिखता है। तो पहले ये लगता है कि ये इमोशंस और सेंसेशंस का ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी पहली बार में होता ही कैसे है? और ये तो दिखता है कि सेल्फ दूर है, जैसे अभी अभी भी जो हम लोगों ने 10 मिनट का अभ्यास रखा इसमें भी दिखता है, वो समझने में लगता है कि सेल्फ आखिर है कहाँ, थोड़ा उस पर भी थॉट्स चले आते हैं कि माइंड के बीच में है कहीं, हर्ट के पास है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कैसे कहाँ से मैं ऑपरेट हो रही हूँ कम्प्लीटली, तो वो नहीं पता चल पाता है। जी भैया यही है जी जी, इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने की जरूरत है ना, जैसे मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किस प्रकार हूँ, क्या मैं शरीर का एक भाग हूँ या शरीर से भिन्न हूँ, भिन्न हूँ तो किस प्रकार भिन्न हूँ, शरीर मुझसे किस प्रकार भिन्न है, जो शरीर में हो रहा है वो मुझ में ही हो रहा है या मुझसे बाहर हो रहा है, ठीक बात है। तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं ब्रीफली रिस्पॉन्ड कर दूंगा, परंतु इसको तो स्वयं में ठीक ठीक ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो आपको देखिएगा कि शरीर में क्रियाएं हो रही हैं, जैसे पेड़ पौधे में क्रियाएं होती हैं वैसे शरीर में भी क्रियाएं हो रही हैं, ठीक, रक्त दौड़ रहा है ना, हर एक कोशिका में अंग में संकुचन प्रसारण हो रहा है, ये सब चीजें, कुछ चीजों को तो हम लोग आंखों से भी देख पाते हैं कि हाँ भाई, जैसे अपने हृदय को देखें तो दिखता है हृदय धड़क रहा है, और ये संकुचन प्रसारण है तो शरीर के हर अंग में दिखाई देता है, आप पैर को भी देखेंगे तो देखेंगे संकुचन प्रसारण हो रहा है, पेट को देखेंगे तो पाएंगे संकुचन प्रसारण हो रहा है, कंधे को देखेंगे तो पाएंगे वहां भी संकुचन प्रसारण हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है। तो शरीर में कुछ क्रियाएं हो रही हैं, ठीक है ना, कुछ क्रियाएं मुझ में भी हो रही हैं, जैसे मैं देखने का निर्णय लिया, ये क्रिया तो मुझ में हुई, अभी मुझ में जो क्रिया हुई और जो शरीर में क्रिया हुई इसमें क्या अंतर है, ये समझना बनता है। जिसको मैं कह रहा हूं मुझ में क्रिया हुई वो शरीर की ही कोई विशेष क्रिया है या शरीर से बाहर कोई क्रिया है, अब इन सब चीजों को कैसे तय करेंगे, कैसे समझेंगे? ऐसा हो सकता है कि हम लोग ये चर्चा साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल भी करते रहे परंतु न समझ में आए, कहीं ना कहीं डाउट बना रहा है, क्योंकि जब तक उसको हम ऑब्जेक्टिवली देख ना ले तब तक वो चीज समझने में नहीं आता। तो उसको ऑब्जेक्टिवली देखना बनता है, इसको ऑब्जेक्टिवली देखें तो मैं में होने वाली क्रियाओं को देखें, शरीर में होने वाली क्रियाओं को देखें और इन दोनों में अंतर को देखें, ठीक है ना, अपने अस्तित्व को देखें, मेरा अस्तित्व किस प्रकार बना हुआ है, शरीर का अस्तित्व किस प्रकार बना हुआ है, और क्या है, मैं और शरीर जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं, मेरा प्रभाव शरीर पे पड़ता रहता है, शरीर का प्रभाव मुझ पर पड़ता रहता है, तो ये हमें और कठिनाई हो जाती है ये तय करने में कि शरीर का प्रभाव मुझ पर पड़ा या मैं शरीर का ही कोई विशेष प्रभाव हूं कि नहीं। जी भैया, जितना मैं देख पाती हूँ भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि सेल्फ ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, सेल्फ ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, दुखी है तो फिर उस हिसाब से शरीर कुछ सेंसेशन देता है, खुश है तो वैसा शरीर कुछ सेंसेशन देता है, मतलब डिसीजन मेकिंग तो सेल्फ का ही होता है वो बॉडी का ही कोई विशेष एक्टिविटी है, कोई स्पेशल एक्टिविटी है, कोई हायर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है या एक अलग ही एक्टिविटी है, ये चीज तो अपने में और ऑब्जर्व करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम कुछ थोड़ा बहुत जो हम देख पाते हैं उसके आधार पर मान लेते हैं, फिर हमारे सामने कोई नई बात आती है तो हमको हमारे अंदर ही प्रश्न खड़े हो जाते हैं या हम कोई नई बात मानने लगते हैं कि नहीं। तो वैसे आप देखें तो ये विषय काफी गूढ़ लगेगा, क्योंकि अभी आप देखें करेंट साइंस में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, ठीक, अभी 2022 का भी जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स में, उसमें कुछ चीजों को जिस तरह से उन लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है और उसके आधार पर जो निष्कर्ष देने का प्रयास कर रहे हैं वो उससे कॉन्शसनेस को जोड़कर भी देखा जा रहा है, तो अभी इस पे शोध चल ही रहा है अगर करंट साइंस में देखें तो। अभी सामान्य रूप से हम कुछ मान लेते हैं परंतु जब उसको हम विशेष रूप से देखने जाते हैं और जड़ के स्तर पे देखने जाते हैं तो नए तरह के प्रश्न क्या आने लगते हैं, उसको हम कोई पुरानी है ना मान्यता है उसके आधार पर देखते हैं, सोचते हैं तो अलग ढंग से
हमारे अंदर विचार तैयार होता है, कोई और पुस्तक पढ़ते हैं अलग ढंग से विचार तैयार होता है। तो होता यह है कि अभी हमारा देखना शेष है अपने आप में, क्योंकि हमारा देखना शेष है इसलिए हमें नए नए प्रश्न हमारे अंदर तैयार होते रहते हैं। इस चीज को देखना तो अनिवार्य है, उसी क्रम में हम देखें तो हम लोग एक तरह से बहुत मौलिक काम कर रहे हैं, मैं को देखना, मैं को समझना, ठीक। क्योंकि जब तक मैं के बारे में समझ ना बने, स्पष्टता ना बने, तब तक मैं और शरीर का अंतर स्पष्ट नहीं होता, यानी जड़ और चैतन्य का अंतर स्पष्ट नहीं होता। फिर जीने में अपने आप को जड़ मानकर, प्रकृति को जड़ मानकर तो जीने का हमारा एक अभ्यास रहा ही है, पूरा मार्केट इकोनॉमी साइंस करंट साइंस देखें तो उधर ही जा रहा होता है, तो वो चूक बनी रहती है ना। तो इसको देखना है अपने आप में, तो इसको देखने के क्रम में देखें तो एक बात यह है कि अपने आप में जो क्रियाएं हो रही हैं उसको देखना, ठीक है ना, तो मुझ में क्या क्रिया हो रही है उसको देखना, शरीर में क्या क्रिया हो रही है उसको देखना। इस पर पहले भी जो बात हुई उस पर अभी हम लोग और अपनी योग्यता को थोड़ा बढ़ाएंगे तो देख पाएंगे। तो शरीर को तो हम कहते हैं मैं देख पाता हूँ, क्योंकि उसके रूप को देख पाता हूँ, क्योंकि मैं के रूप को नहीं देख पाता इसलिए उसके बारे में संशय बना रहता है अपने अंदर। और अगर इकाई है तो उसका कोई रूप होगा, ये प्रश्न भी बना रहता है, तो रूप है तो देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, ये भी प्रश्न बना रहता है। तो ये बहुत सारी चीजें अभी हमारे अंदर द्वंद के रूप में रहते हैं। तो उसको मानने से अच्छा है कि हम इससे एक इम्पोर्टेंट इश्यू बना ले अपने लिए कि हमें देखना है, समझना है, और इसको एक ओपन रखें अपने आप में। अभी हम जहाँ खड़े हैं वहां से देखना शुरू करें। अच्छी बात यह है कि अगर स्वयं से स्वयं में देखने की हमारी अगर प्रवृत्ति बन जाए, ठीक है ना, तो एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है, क्योंकि अब हम मानने के बजाय जानना शुरू कर दिए हैं, देखना शुरू कर दिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारे अपने जो पुराने मानने का ढंग होता है और कोई बाहर से सूचना आती है वो अगर मेल खा जाती है तो हम कह लगता है हम समझ गए, जबकि समझे नहीं है, बाहर की सूचना हमारे मानने से मेल खा गई है, ठीक। अगर नहीं मेल खाती है तो हम या तो उस बात को गलत कहते हैं या नहीं मानना बना लेते हैं। तो ये अभी हमारा जीना मोर और लेस मानने के दायरे में होता रहता है, जानने का काम शेष रहता है। तो इसको जरूरी है कि हम इसे जीने का एक महत्वपूर्ण मुद्दा माने, इसको एक महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में स्वीकारें कि हमें जानना है, और जानने के लिए हमें जैसा वैसा देखना है। उसी क्रम में ये अभ्यास एक और दो हो रहा है, तो मैं को जैसा वैसा देखा जा सकता है। अभी उसी क्रम में बात हो रही है इस स्टेप फोर में कि मैं और शरीर के बीच की दूरी को देखा जाए। उसी क्रम में बात हो रही है कि मेरे और संवेदना के बीच में क्या दूरी है उसको भी देखा जाए, मुझसे बाहर है या मुझ में ही है। जी, इसको ऑब्जर्व करें अपने आप में। जी भैया, थैंक यू। जी, जी निधि जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। या मुझे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन इन दोनों को थोड़ा समझना था। सब्जेक्टिव का मतलब ये हो गया कि हमने अपनी कोई मानना उसमें जोड़ दी, हमने कोई विचार उसमें जोड़ दिया, पहले से हम कुछ मानकर उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जैसा है वैसा देखने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ भी मान नहीं रहे वहां पे कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही दिखना चाहिए। तो सब्जेक्टिव मतलब वो डिपेंड करेगा हमारे मानने पे। तो अभी जो करेंट साइंस है उसके अनुसार जो भी ऑब्जर्वेशन होता है वो सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें जो देखने वाला होता है वो शामिल हो जाता है, जुड़ जाता है। करेंट साइंस तो अभी यही है ना, अगर हम क्वांटम को देखें तो उसमें यही बात निकल कर आती है कि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जैसा है वैसा मैं उसको देख पाता हूँ। इनफैक्ट इसमें एक महत्वपूर्ण घटना ये भी हुई कि जो आइंस्टीन थे उसके अनुसार रियलिटी ऑब्जेक्टिव है, ठीक, मैं देखूं या ना देखूं, बट जो क्वांटम से निकल कर आया उसके अनुसार सब्जेक्टिव है। एक फेमस स्टेटमेंट आया आइंस्टीन का, यानी यदि मैं चांद को देख रहा हूं तो चांद है, नहीं तो पता नहीं है कि नहीं है। तो
अभी तो करंट साइंस में हर ऑब्जर्वेशन सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वर शामिल होता है। हम यहाँ जो बात कह रहे हैं कि नहीं, हम रियलिटी को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं, और वो तभी देखना हो पाता है जब हम चैतन्य को देखना शुरू करते हैं। क्योंकि चैतन्य को मैं ऑब्जेक्टिवली अगर देख पाता हूँ, तभी मैं जड़ को भी देख पाता हूँ, और तभी मैं चैतन्य और जड़ के शून्य में बने होने को भी देख पाता हूँ। जी भैया, मैं प्रयास करती हूँ समझने का। जी तो अभी जो वर्कशॉप में प्रपोजल्स आ रहे हैं, जब तक मैं खुद उनको नहीं देखूं तब तक वो मेरे लिए सब्जेक्टिव ही बने रहेंगे रहेंगे ना, जब तक वो मानने के दायरे में है सब्जेक्टिव ही है। तो जो बात हो रही है कि कंटेंट यूनिवर्सल हो, है ना, यूनिवर्सल तभी होगा जब वो ऑब्जेक्टिव है, अदरवाइज वो सब्जेक्टिव है तो यूनिवर्सल कैसे होगा। जी तो देखिए, ऐसे शब्द तो ऐसे हैं कि हम लोग बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं, परंतु यदि उसके आप बहुत ही जड़ में जाके देखें तो बहुत स्पेसिफिक बातें कही जा रही हैं, जिसको ठीक ठीक जानना समझना जरूरी है। जी भैया जी, थैंक यू सो मच। बढ़िया दीदी, तो इस चीज को हम अपने आप में ऑब्जर्व करें ना, कि मेरे और संवेदना के बीच कोई दूरी है कि नहीं। तो क्या मैं संवेदना हूं, इस संवेदना है भी क्या, है ना, इसको अगर ओपनली देखा जाए, इसको कह रहे हैं ठीक। तो अभी पैर में हाथ में होने वाली संवेदना को तो मैं कह देता हूँ कि संवेदना है। क्या मेधस में जो हो रहा है वो भी संवेदना ही है, इसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और क्या मैं यही हूँ या इससे भिन्न हूँ, इसी का भाव हूँ या इससे दूरी है मेरी। जी मनीषा जी। जी नमस्ते भैया। भैया मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है और जो डिड्यूस करके निकलता है, दोनों में अंतर हो सकता है मतलब? बिल्कुल, देखिए जो तर्क होता है ना, तो आप आएंगे हर तर्क का एक प्रीमाइस होता है, जिसकी पृष्ठभूमि होती है, कुछ मानकर फिर हम आपस में चीजों को जब जोड़ते हैं तो उसको हम तर्क कहते हैं। तो अगर आप तर्क को भी देखें, लॉजिक को देखें, तो उसमें तीन चीजें होती हैं, एक प्रीमाइस होता है, एक रूल ऑफ कंस्ट्रक्ट होता है, एक कंक्लूजन होता है। तो प्रीमाइस मतलब जो हमने पहले से स्वीकारा हुआ है कि ऐसा है, रूल ऑफ कंस्ट्रक्ट मतलब कि दो चीजें आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, इसको भी हमने स्वीकारा हुआ है, अब हम निष्कर्ष दे रहे हैं। तो ज्ञान को देखें तो तर्क से इतना हो जाता है कि क्या ज्ञान नहीं हो सकता है, वो तो हम निष्कर्ष के रूप में निकाल पाते हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी ही है, ये तर्क से निकलता नहीं है। क्योंकि जो प्रीमाइस है, जो रूल ऑफ कंस्ट्रक्ट है, यानी जो पृष्ठभूमि है और जो आपस में उनका जोड़ने का तरीका है, वो तो हमारी देखने समझने की वस्तु है, वो गलत हो गए तो निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में आप पाएंगे कि जो तर्क है वो हेल्प करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, इस बात को हम निष्कर्ष निकाल पाते हैं बहुत सारी चीजों पे। तो अगर इसका तो बहुत सदुपयोग है, क्योंकि हम मूल मुद्दे में पहुंच पाते हैं विचार के द्वारा, तर्क के द्वारा। परंतु जिस क्षण हमको देखना है वास्तविकता को, उस क्षण में तो विचार का रोल नहीं है, वो वहां तक पहुंचाने के लिए ठीक है। परंतु यदि मुझे अपने आप को देखना है, जैसा वैसा देखूंगा मैं अपने आप को, जड़ को देखना है जैसा वैसा देखूंगा, ये जड़ नहीं हो सकता और ये चैतन्य नहीं हो सकता, ये सारी चीजें तो तर्क से निकल सकता है, पर चैतन्य है क्या वो तो मैं अपने आप में ही देखूंगा। जी भैया, जब मैं देख लेती हूँ उसके बाद भी, तो फिर वो मतलब जो मैंने जो मुझे दिखा उसको विचारों में या एक्सप्रेशन में भी, तो मैं फिर वो डिड्यूस ही करती हूँ ना जो मुझे दिखा है। तो जैसे चिंतन बोध अनुभव में हमको दिखा, अब जब वो चित्रण में आएगा तो मैं उसको फैलाऊंगा अपने आप में, उसके आधार पर मैं जीने का चित्रण करूंगा, वास्तविकता का चित्रण करूंगा ना, भागीदारी का चित्रण करूंगा, फिर उसके आधार पर मैं उसका विश्लेषण करूंगा, तो वो तो ठीक है। तो जो मुझे दिख गया, तो जिस क्षण दिखा उस क्षण कल्पनाशीलता का रोल नहीं है, वो तो जैसा वैसा मैं देखूंगा, और जब दिख गया तो उसके आधार पर कल्पनाशीलता व्यवस्थित होती जाएगी, चित्रण विश्लेषित हो, चित्रण व्यवस्थित होगा, विश्लेषण व्यवस्थित होगा, तुलन व्यवस्थित होगा, ये तो ठीक है। तो विचार तो हम करेंगे, है ना, तो ये बात हो रही है कि ब्लॉक B2 से B1 तक पहुंचाने में विचार का रोल है। ब्लॉक B1 में जो दिख गया उसको जीने तक ले जाने में विचार का रोल है, तो विचार का तो रोल है। दोनों में डिफरेंस भैया, मतलब ऐसे इंफॉर्मेशन रूप में तो है,
जब हम दिखने के बाद करते हैं विचार में तो वो मतलब सही होता है इन्फॉर्मेशन रूप में, अदरवाइज दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मतलब कोई ना कोई गैप होगा ऐसे। फिर से बताइए। मतलब जो हम विचारों में करके अभी सीधा सीधा नहीं देखते, जो विचारों में दिख रहा है और जो देखने के बाद हम विचारों में फैला रहे हैं, तो मतलब वो दोनों में गैप होगा। गैप होगा या कहें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस होगा। क्योंकि जब दिख गया तो मेरे अंदर आसक्ति होगी, जब तक दिखा नहीं है आसक्ति होती ही नहीं है। हाँ ये ठीक है भैया, आश्वस्ति वाला पार्ट, आश्वस्ति वाले पार्ट में डिफरेंस आएगा। धन्यवाद जी। बढ़िया दीदी, बढ़िया। तो इसको हम आज ऑब्जर्व करें अपने आप में कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, इसको करें। फिर दूरी को भी और देखेंगे, निष्कर्ष को अभी रहने दें, है ना। अभी तो इसको ऑब्जर्व करें, फिर कल हम इस पर और बात करेंगे। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते। Thank you.